हेलो फ्रेंड्स, मैं नूतन न्यू एडा मॉम नूतन के अनुभव चैनल में आप लोगों का स्वागत। आज मैं बना रही हूँ गोली इडली। इसको बनाने के लिए चावल दाल फूलने रखने की झंझट नहीं है। हमने लिए है ये एक कटोरी पानी। इसी कटोरी से हमने चावल के आटा भी लिया है। कोई भी मेजरमेंट कीजिएगा, जितना आटा उतना पानी। इसमें हम डालेंगे 1 स्पून घी। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी स्पून नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम डालेंगे ये चावल का आटा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़ा सा हम हाथ में पानी लगाएंगे और इसको हम अच्छे से गूथेंगे। ये गर्म है अभी, हमने सिर्फ हाथ में पानी लगाया है, दूसरा पानी डालने की जरूरत नहीं है। सब देखिए इकट्ठा हो रहा है। ये मेरा सॉफ्ट आटा एकदम लग के तैयार हो गया है। ऐसा जाली वाला प्लेट ले, हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसमें भी लगा देंगे थोड़ा सा। एकदम चिकना हम गोली बना लेंगे। सब मेरी सारी गोली इडली बन के तैयार है। हमने कढ़ाई रखे है, इसमें हम डालेंगे 1/2 लीटर पानी। पानी गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे ये गोली इडली। इसको हम ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये मेरी गोली इडली बनके तैयार है। 10 मिनट हो गए हैं, एकदम से चिकना चिकना है। देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बन गया। चटनी का तैयारी करेंगे। एक कढ़ाई लिया हमने, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। इसमें हम डालेंगे 1 स्पून चने की दाल, 1 स्पून उड़द की दाल। इनको हम हल्का सा भून लेंगे। कटी हुई प्याज, कटी हुई 1 इंची अदरक का टुकड़ा, 5 कली लहसुन। ये सब सॉफ्ट हो गया है, प्याज अदरक और लहसुन। इसमें हम डालेंगे 2 कटा हुआ टमाटर, 1/2 स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। हम डालेंगे थोड़ा सा इमली बीज निकाल के। आप कितना खट्टा खाते हैं उस अनुसार से डाल। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप नींबू का रस भी पीसने के बाद चटनी को यूज कर सकते हैं। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, ढक्कन लगा करके 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने देंगे। ये सॉफ्ट हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में चटनी, हमारी चटनी पीस के तैयार है। गोली इडली बन के तैयार है। इसमें हम लगाएंगे तड़का, यही गर्म है। गोली इडली के तड़का लगाने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों तेल। हो गई है, इसमें हम डालेंगे 1 स्पून काला सरसों। इसमें हम डालेंगे करी पत्ता, अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये गोली इडली। अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तड़का लगाएंगे, कढ़ाई गर्म है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों तेल, 1 पिंच काला सरसों, 2 साबुत रेड चिल्ली, थोड़ा सा करी पत्ता। तड़का अच्छे से फ्राई हो गई है, हम गैस को कर देंगे बंद। इसमें हम डालेंगे ये पीसी हुई चटनी। तड़का लग गया है, अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लें। इंतजार करने का भी झमेला नहीं है, इसको जब दिल करे तब बनाएं और खाएं। बनाकर खाकर आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना प्यार देते रहिए, मैं अपने अनुभव आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी।